आई होप अच्छे ही होंगे। और यार यहाँ पर मैं अपने घर आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। देखिए मैंने गरम सूट पहन रखा है पूरा, ये देखिए पूरा गरम सूट पहन रखा है, शॉल भी ओढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। चलिए अब क्या बन रहा है खाने में मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए मेरे साथ। हाँ ला रही हूँ। तो ये बनी आलू की चटनी, किचनी सब फैला हुआ है, अभी सब समेट लेंगे। इसे आलू का भरता कहते हैं सही मायने में। चटनी वो होती है हरी, जो चटनी होती है ना, ये रहा कमरा। मेहमान आ रखे थे वो गए सब। अब हम फ्रिज में से आटा निकाल लेते हैं, ये आटा मला रखा है सुबह का, इसी से रोटी बनेगी। और ये क्या है, ये पता नहीं मेहंदी, ये पता नहीं क्या है। चलिए अब हम रोटी बनाएंगे। मैं अपना मंदिर के कपाट बंद कर देती हूँ। अच्छा है ना मंदिर हमारा, ये मंदिर बंद कर दिए। ये लिहाफ रखे हैं कि रात को उठ के सोएंगे। बन गई, अब पराठे बनाने हैं। रोटी रोटी बनाती हूँ मैं सिंपल, है ना। तो पराठे रोटी बना, धनिया डालेगा ऊपर से। ये क्या है, मैं ये कब बनाई, अच्छा इसमें अच्छा उनका लग रहा है। इमली की भुजी, धनिया और गर्म पानी, दूध भी गर्म होगा अभी। ये वाली मिर्ची भी डालो, इसे आलू का भरता बोल सकते हैं, आलू की चटनी बोल सकते हैं, सूखे आलू भी बोल सकते हैं। और इन्हें भी पानी डाल के पतला करिए, पतली हो जाए। हाफ में डाल लें गुलाब चमेली, इनमें डाल लें दो कवर, डाल लें कपड़ों की चीज में आग रखना है। सच में आ रही है तब होने का टाइम। मूली के बर्फ होते ये निकल ही रहे, सबके बना लिए होते थे। दे दिए रे पानी जरा, ठीक मिलते आऊंगा काम में नहीं, अभी गया कभी सुना दी। अब हम ये ले रहे गुनगुना पानी।
ताकि पराठे जल्दी पक जाएं। जल्दी पक जाएं तो जल्दी पा लेंगे। मैंने तो तायरी छोक दी है, अब देखती हूँ सीटी कितनी देर में लगती है। ये मेरा किचन, इसमें गरम पानी।